हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, यह है हमारा वन लाइनर टेक न्यूज का 49th एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आ गया हूँ। और आज से मैं जो है हर वन लाइनर टेक न्यूज के एपिसोड में यहाँ पर लाइक्स के लिए एम रखूंगा। तो आज हम यहाँ पर काफी कम एम रखेंगे, तो आज का हमारा लाइक्स का एम है केवल 500। तो आपको बस फटाफट से लाइक कर देना है इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की जो पहली वन लाइनर टेक न्यूज आ रही है वो आईफोन को लेकर आ रही है कि आईफोन XR का जो प्री ऑर्डर है वो इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो फिलहाल प्री ऑर्डर करा सकते हैं। फोन की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है यहाँ पर 76,900 रुपये। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आती है वो यहाँ पर गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL को लेकर आ रही है कि अब यहाँ पर एक अपडेट आया जिसके द्वारा अब जो है वोडाफोन वोल्टी का सपोर्ट जो है इन दोनों डिवाइस के लिए इनेबल कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। और आज की जो अगली न्यूज आती है वो यहाँ पर नोकिया 3.1 प्लस को लेकर आ रही है कि इसे आज जो है ऑफलाइन मार्केट में इंडिया में अवेलेबल करा दिया गया है। फोन की जो कीमत रखी गई है वो यहाँ पर 11,499 रुपये रखी गई है। 3 GB का रैम मिलता है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन की कीमत काफी ज्यादा है, ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से फोन कुछ यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन अगर ये फोन ऑनलाइन मार्केट में होता तो ये फोन शायद बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलता है इंडिया के अंदर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज यहां पर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। आपको पता है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अब आधार कार्ड कहीं पर भी यानी कि मोबाइल नंबर लेने के लिए या मोबाइल नंबर को जो है एक्टिवेट कराने के लिए मैंडेटरी नहीं है। और 15 अक्टूबर से जो EKYC वाला प्रोसेस है वो भी बंद कर दिया गया था। अब यहां पर ट्राई के द्वारा कहा गया है कि अगर आप अपना कोई भी दूसरा ID प्रूफ यहां पर जमा कराते, यानी कि पहले से अगर आपने सिम लिया हुआ है अपने आधार कार्ड के ऊपर और आप अब फिलहाल उसे जो है डीलिंक कराना चाहते, तो अब आपको अपना कोई दूसरा ID प्रूफ जमा कराना होगा, फिर आपका जो यहां पर आधार कार्ड नंबर है वो यहां पर डीलिंक कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर से। तो फिलहाल अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं यानी कि अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को हटाना चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर से, तो आप और कोई दूसरा ID प्रूफ जमा करा के हटा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। और आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो लेनोवो के दो नए स्मार्टफोन को लेकर आ रही है जिन्हें आज ही चाइना में लॉन्च किया गया है। ये है आपके लेनोवो K5 प्रो और लेनोवो K5S। पहले बात करते हैं हम K5 Pro के बारे में। इसमें आपको 5.99 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा। तीन वेरिएंट यहां पर इसके आते हैं। पहला होगा आपका 4 GB रैम वेरिएंट जिसमें आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। दूसरा होगा यहां पर 6 GB रैम वेरिएंट जिसमें भी आपको जो है 64 GB का ही इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जबकि जो तीसरा वेरिएंट होगा वो यहां पर 6 GB रैम वेरिएंट होगा, उसमें आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 वाला प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप यहां पर दिया गया है। मेन सेंसर आपका 16 MP का होगा, जबकि जो सेकेंडरी सेंसर होने वाला वो यहां पर 5 MP का होगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में भी आपको सेम यही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट में भी आपको डुअल कैमरा सेटअप यहां पर मिलेगा 16+ में 5 MP का। बैटरी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको जो है 4050 mAh की बैटरी दी गई। कीमत की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर बेस वेरिएंट है 464 वाला, उसकी कीमत रखी गई है यहाँ पर 998 युआन यानी कि करीबन 10,500 रुपये। जबकि जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB रैम मिलता है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत रखी गई 1,098 युआन यानी कि इसकी कीमत होगी इंडियन करेंसीज में करीबन 11,600 रुपये। जबकि जो 6 GB रैम वेरिएंट है उसकी कीमत रखी गई 1,298 युआन यानी कि इंडियन करेंसीज में ये होगी आपकी 13,700 रुपये। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेनोवो जो है चाइना के अंदर काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है लेकिन उन्हें इंडिया में लेकर नहीं आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर K5S के बारे में। तो K5S में आपको 5.7 इंच का एक HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको दिया गया MediaTek का MT6762 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। 4 GB का रैम मिलेगा, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। कैमरे की बात करें तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन सेंसर 13 MP का होगा, सेकेंडरी सेंसर 5 MP का होगा, और फ्रंट में भी यही कैमरा सेटअप यानी कि फ्रंट में भी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 13+ में 5 MP का। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है। अब हम यहाँ पर कीमत की बात कर लेते हैं। तो चाइना में इस स्मार्टफोन की कीमत रखी गई 798 युआन यानी कि इंडियन करेंसीज में इसे हम कन्वर्ट करें तो ये आपकी करीबन होगी 8,400 रुपए। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो फ्लिपकार्ट की सेल को लेकर आ रही है। अभी आपको पता है कि अभी फ्लिपकार्ट ने आयोजित की थी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल, लेकिन अब फ्लिपकार्ट दोबारा से जो है यहाँ पर एक और नई सेल लेकर आने वाला है जो कि यहाँ पर होगी फ्लिपकार्ट फेस्टिव धमाका सेल, और ये आपकी चलेगी 24 से 27 अक्टूबर तक।
और इसमें जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा तो उस पर कुछ यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाने वाला है। कितना यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और आज की जो अगली न्यूज आ रही वो हुआवे के Mate P20 Pro को लेकर आ रही है। इसे जो है इंडिया में जो है नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाने वाला है और ये स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर अवेलेबल होगा। दोस्तों आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो जियो की तरफ से आ रही है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था जियो की ARPU रिपोर्ट के बारे में कि जियो यहाँ पर जो है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर से जो गेन कर रहा है वो करीबन 131.7 रुपीस गेन कर रहा है। लेकिन आज यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जो गेन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इनका जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है वो करीबन जो है 96 रुपीस है, यानी कि इनको काफी कम रिवेन्यू हो रहा है जबकि जियो को यहाँ पर काफी ज्यादा रिवेन्यू हो रहा है। और जियो के जो प्लान्स है वो इन ऑपरेटर्स से काफी सस्ते हैं, फिर भी जियो यहाँ पर काफी ज्यादा रिवेन्यू गेन कर रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, और आज की लास्ट न्यूज आ रही है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने कहा है कि अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी सर्विस जो है बंद करना चाहता है तो उसको 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अभी आपको पता होगा कि पिछले साल आरकॉम यानी कि रिलायंस GSM की सर्विसेज बंद हुई थी, उसके बाद में एयरसेल की सर्विसेज बंद हुई थी, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई थी अपना नंबर पोर्ट कराने में क्योंकि उनको नेटवर्क ही नहीं मिला था। इसलिए ट्राई के द्वारा अब ये फिलहाल डिसीजन आया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर टेक न्यूज। आशा करता हूं आज का वन लाइनर टेक न्यूज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज हमने जो यहां पर एम रखा है लाइक्स का वो है 500, तो ये एम आपको याद रखना है और फटाफट से वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों आज का वन लाइनर टेक न्यूज का एपिसोड देखने के लिए। We'll be right back.